ये छतरपुर के एक तालाब की तस्वीर है। गंदगी से सराबोर तालाब यहाँ कत्कारियों को पूजा पाठ में परेशानी हो रही है। कार्तिक माह में भगवान कृष्ण की आराधना करने वाली महिलाओं को छतरपुर के महोवा रोड पर स्थित इसी गंदे तालाब के घाटों पर पूजा करनी पड़ रही है। शहर के विंध्यवासिनी तलैया के घाटों पर बेतहाशा गंदगी फैली है। मंगलवार को तलैया पर पूजा करने पहुंची महिलाओं के गंदगी के बीच पूजा करने के बाद नाराजगी व्यक्त की गई। इस मामले में कांग्रेस नेत्री सपना चौरसिया ने भी छतरपुर नगर पालिका पर स्वच्छता न कराने के आरोप लगाए हैं। यहाँ पर ये विंध्यवासिनी मंदिर है, यहाँ पर हमारी सारी बहनें कार्तिक नहाती हैं, कार्तिक के महीने में तो सूर्य देव को जल जल चढ़ाती हैं, सूर्य देव को अग्नि और जल और सूर्य तीनों का यहाँ पूजन होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो तालाब है, जो तलैया है, इसकी इतनी गंदी व्यवस्था है कि देखो जरा कैसे पानी है, ना तो यहाँ नहा सकती ना पानी छू सकती हैं। नगर पालिका एक महिला है, पहले भी महिला थी, आज भी महिला है, लेकिन उनको भी नहीं ये लगता है कि हम कम से कम कार्तिक के महीने में तो तालाब को साफ करवा दें ताकि हमारी बहनें यहाँ आके नहा सके, पूजा कर सके। वहीं नगर पालिका की अध्यक्ष ज्योति चौरसिया ने नगर पालिका की गलती स्वीकारते हुए जल्द ही सफाई कराने का भरोसा दिया है। कल सफाई करवा दूंगी। अभी तालाब का काम भी लगा था, फिर बंद हो गया। लगभग दो हफ्ते से पूरे सड़क पर कचरा डाला हुआ है, तालाब में फिर गंदगी फैल गई है। कल बोला था कि कल से सफाई शुरू हो जाएगी।